होता है कि ब्राउन की जो है ना वो रह गया है, इसके नीचे क्या है ब्राउन की उसमें इंफ्लामेशन हो जाता है। कॉफी खांसी समस्या होता है और जल आरटीआई होता है, लोगों में इंफेक्शन होता है जिससे मतलब आगे चल के खांसी इसमें मौत भी हो सकता है। और उसके बैक्टीरिया भी चुकी है, फैलता भी है, ठीक है, चुकी भी हुआ है, तो लोग खांस है उसको तो भी बैठा हुआ है उसको भी हो सकता है। है, क्यों हो सकता है? चूंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो खांसी के द्वारा क्या होगा, फैल, मतलब मान लो कि किसी को टीबी है, कफिंग किया, खांसी आया उसको, तो उसके बॉडी में जो ड्रॉपलेट्स था, कुछ बूंद था, ठीक है, वो क्या हो गया, एयर में आ गया। अब वो कोई बगल में बैठा है, इनहेल किया, उसके अंदर चला गया, तो उसको भी क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। मतलब तो फैलने वाला बीमारी है, रिवाइज कर लिए जो लिखा था, रिवाइज करो एक बार, सुन लेते हैं, फिर रिवाइज करवा देंगे हम भी टिश्यू के बारे में, रिवाइज करवा देंगे। तो जो नहीं लिखा है वो लेके लिख लेना। हो गया,
हो गया उसको बताने के लिए बोले हैं। चलो सुनते हैं, चलो पीछे से खड़े हो जाओ पीछे। बताओ स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कर रहा था, लिखे हो नोट्स है ना? नोट्स नहीं है, क्या याद कर रहे थे अभी? पुराना वाला कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक या चैप्टर याद कर रहे थे? बैक्टीरिया याद कर रहे थे। तो शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं? शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप का होता है चार, कौन कौन? सुन लो, शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया होते हैं कितने टाइप्स के? फोर टाइप्स के। ध्यान सुन लो, कौन कौन? बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरलम। बैसिलस मतलब क्या होता है? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, वैसे बैक्टीरिया जो रॉड के शेप के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बैसिलस। सेकेंड कौन सा होता है? कोकस मतलब होता है स्फेरिकल, जो स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोकस। कुछ होते हैं जो कॉमा शेप के होते हैं, जो कॉमा शेप के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विब्रियो। कुछ होते हैं जो स्पाइरल होते हैं उनको बोलते हैं स्पाइरलम। तो चार प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरलम, ठीक है? रॉड शेप्ड, स्फेरिकल, कॉमा शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड, ठीक है? बैक्टीरिया हैबिटेट के बेसिस पर कितने टाइप के होते हैं, या बैक्टीरिया का मेन जो कैटेगरी है वो कितने टाइप का होता है, कौन कौन? हाँ, एक यू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया, है ना? यू बैक्टीरिया और आर्की। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, कौन से बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट में रहते हैं? आर्की बैक्टीरिया की यू बैक्टीरिया। विच बैक्टीरिया सर्वाइव्स इन वेरी हार्श कंडीशन, वेरी एक्सट्रीम कंडीशन, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में कौन से बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं? आर्की बैक्टीरिया, ठीक है? वैसे आर्की बैक्टीरिया जो कि सॉल्टी रीजन में ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैसे आर्की बैक्टीरिया जो सॉल्टी रीजन में ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सॉल्टी रीजन में जो आर्की बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हैलोफाइल्स। क्या कहते हैं? हैलोफाइल्स, है ना? जो ग्रो करते हैं हॉट स्प्रिंग में उन्हें क्या कहते हैं? थर्मोएसिडोफाइल। और जो ग्रो करते हैं इन द गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल उन्हें क्या कहते हैं? मेथेनोजन्स, ठीक है? याद रहेगा ना? बैठ जाओ, बगल से खड़े हो जाओ, चश्मा। क्या पढ़ रहे थे बताओ? टिश्यू के स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टो। एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स का होता है? चार टाइप का, कौन कौन? एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू कितने टाइप का होता है? एपिथेलियम टिश्यू कितने टाइप का होता है? एपिथेलियम टिश्यू होता है कितने टाइप का? दो टाइप का। एक कौन होता है? सिंपल एपिथेलियम और एक कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम क्या होता है कि अगर जो मेम्ब्रेन है बेसमेंट मेम्ब्रेन, अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या है कि सिंगल लेयर ऑफ सेल है, इसको क्या बोलते हैं? सिंपल एपिथेलियम। और अगर मल्टीपल लेयर प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड एपिथेलियम। अच्छा, सिंपल एपिथेलियम फिर कितने टाइप्स का होता है? सिंपल एपिथेलियम फिर कितने टाइप्स का होता है? थ्री टाइप्स का, कौन कौन? स्क्वायमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम
कॉलुमनर एपिथेलियम, बैठ जाओ। देखो यही हम बोल रहे थे कि एनिमल टिश्यू जो है ये होता है फोर टाइप, जो नहीं पढ़ा ध्यान देखेगा, जो एनिमल टिश्यू है ये होता है फोर टाइप का, एपिथेलियम टिश्यू होता है, और कौन होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, और मस्कुलर टिश्यू होता है, और एक नर्वस टिश्यू होता है। ठीक, ये चार टाइप के होते हैं कौन, टिश्यू, ठीक है ना। उसमें से जो एपिथेलियम टिश्यू है ये होता है फिर टू टाइप्स का, एक होता है सिंपल एपिथेलियम, एक होता है सिंपल एपिथेलियम, एंड अनदर इज कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, देखो इसमें से जो सिंपल ये जो टिश्यू है ना, पूछेगा कि बताओ टिश्यू के स्टडी को क्या बोलते हैं, क्या बोलोगे, हिस्टोलॉजी। टिश्यू के स्टडी को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। पूछेगा कि टिश्यू नाम कौन दिया था, टिश्यू नाम कौन दिया था, पी चैट, पी चैट। पूछेगा हिस्टोलॉजी का फादर किसको बोलते हैं, मालपिगी, किसको बोलते हैं, मालपिगी को हिस्टोलॉजी का फादर बोलते हैं। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल विच हैज कॉमन ऑरिजिन एंड फंक्शन, वैसे सेल जिनका ऑरिजिन और फंक्शन सेम होता है उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, टिश्यू। वैसा सेल जिनका ओरिजिन, वैसा सेल जिनका ओरिजिन मतलब उत्पत्ति और फंक्शन दोनों क्या रहता है, सेम, है ना। तो सेम टाइप के सेल के ग्रुप को बोलते हैं टिश्यू, टिश्यू के स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी का फादर बोलते हैं मालपिगी को, टिश्यू शब्द दिया था बी चैट ने। एनिमल टिश्यू जो होता है, एनिमल टिश्यू का बात कर रहे हैं, प्लांट टिश्यू का नहीं, एनिमल टिश्यू होता है चार टाइप का, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। एपिथेलियम टिश्यू का काम होता है बॉडी में लाइनिंग करना, जो ये स्किन है ये कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेन्स हैं, है ना, स्टोमक है, लीवर है, किडनी है, जितना भी है, उस सबके ऊपर जो कवर किया हुआ है टिश्यू, वो कौन टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू है। जो ट्रैकिया है, विंड पाइप, है ना, ट्रैकिया है या ओसोफेगस है, इसके अंदर भी जो सबसे जो आंतरिक जो लेयर है, इंटरनल लेयर जो है, वो कौन है, एपिथेलियम टिश्यू है। एपिथेलियम टिश्यू दो टाइप का, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियम क्या हुआ कि अगर एक मेम्ब्रेन के ऊपर से सेल का सिंगल लेयर प्रेजेंट है, ये सिंपल एपिथेलियम, और कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होगा, मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होंगे। अब जो ये सेल प्रेजेंट हैं, इनके शेप के बेसिस पर तीन टाइप का ये होता है, एक होता है सिंपल एस्क्वायमस एपिथेलियम, एक होता है एस्क्वायमस एपिथेलियम। एस्क्वायमस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसमें जो सेल होते हैं वो ऐसे चपटे चपटे सेल होते हैं, फ्लैटेंड सेल होते हैं, है ना, पेवमेंट टाइल्स की तरह, जो टाइल्स होता है ना, टाइल्स उसके तरह होते हैं, तो उसको बोलेंगे एस्क्वायमस एपिथेलियम। एक होता है कौन सा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कौन सा होता है, जो कि क्यूब के शेप में सेल होंगे, जो सेल होंगे इस तरह से क्यूब के शेप में होंगे, तो उसको बोल देंगे क्यूबॉइडल। और तीसरा कौन सा होता है, कॉलमनार। कॉलमनार एपिथेलियम कौन सा होगा, जिसके सेल कॉलम शेप के होंगे, कॉलम मतलब कि इस तरह से लंबे लंबे सिलेंड्रिकल शेप के होंगे, इनको क्या बोल देंगे, कॉलमनार एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम के सेल का क्या शेप है, इसके बेसिस पर तीन टाइप का हो जाता है ये, एस्क्वायमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सबका अलग अलग फंक्शन है लिखवाए हुए हैं। एस्क्वायमस एपिथेलियम बेसिकली जहाँ डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म होता है वहाँ पे होता है, अल्वियोली में होता है, ब्लड जो ब्लड वेसल है उसमें होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ होता है, किडनी में होता है, डक्ट्स में होता है। ये कहाँ होता है, स्टोमक में, इंटेस्टाइन का जो लाइनिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लाइनिंग है वो बना हुआ है कॉलमनर का। कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ होता है, ये होता है हमारे स्किन पे, या जो भी लेयरिंग होता है, जैसे पैंक्रियाज में, या जहाँ भी लेयरिंग है, आउटर लेयर जो है वो कंपाउंड एपिथेलियम का होता है। अब आता है कनेक्टिव टिश्यू, ये भी कितने टाइप का था, याद है, ये भी तीन टाइप का था, कौन कौन, एक था लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक था डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक था डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, एक था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू।
स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये होता है फिर दो टाइप का, एक कौन सा था एरियोलर टिश्यू और एक कौन सा था एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू और एडिपोज, देखो इसका नाम लूज क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जो सेल है वो लूजली पैक्ड होते हैं ना, लूजली ढीला ढाला रहता है, यहाँ पर थोड़ा टाइट पैक रहता है डेंस। एरियोलर टिश्यू कौन सा है, देखो यहाँ पर जो ये मेम्ब्रेन है ना जिसके ऊपर एपिथेलियम टिश्यू का सेल टिका हुआ है, ये कौन सा टिश्यू है एरियोलर टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू कहाँ होता है, स्किन के नीचे, उसमें फैट स्टोर होता है, मान लो कि खूब खा रहा है उतना एनर्जी खर्च नहीं कर रहा है तो सारा एनर्जी क्या होता है फैट में कन्वर्ट हो जाता है, वो फैट आकर जमा हो जाता है कहाँ पे हमारे स्किन के नीचे, स्किन के नीचे ये जो टिश्यू है एडिपोज टिश्यू यही फैट स्टोरिंग टिश्यू है, तो इसी में क्या होता है फैट स्टोर रहता है ना। जरूरी नहीं कि फैट खाने से ही फैट बढ़ेगा, अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट भी बहुत खा रहा है या प्रोटीन बहुत खा रहा है उसका उतना यूज नहीं है, जितना इनपुट है उतना आउटपुट नहीं है, जो बचेगा वो क्या होगा सारा कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सारा फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो फैट आकर ही जमा हो जाएगा तो इंसान क्या हो जाएगा मोटा हो जाएगा। एडिपोज टिश्यू में ही क्या होता है फैट जमा रहता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये होता है दो टाइप का, याद है कौन कौन, एक होता है टेंडन और एक होता है लिगामेंट, एक होता है टेंडन एक होता है लिगामेंट। टेंडन क्या करता है बोन को मसल से जोड़ता है, जो हमारा बोन है उससे क्या जुड़ा हुआ है मसल, है ना, हड्डी से क्या जुड़ा होता है मसल जुड़ा रहता है, तो उसको जोड़ने का काम कौन करता है टेंडन, और दो हड्डी को दो बोन को आपस में कौन जोड़ता है लिगामेंट, ठीक है, बोन को मसल से जोड़ता है टेंडन और बोन को बोन से कौन जोड़ता है लिगामेंट जोड़ता है। वैसे जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है ये होता है दो टाइप का, कौन कौन, तीन टाइप का, एक होता है ब्लड, एक हो गया बोन और एक हो गया कार्टिलेज। तो टोटल बोन कितने हैं हमारे बॉडी में, टोटल बोन कितने होते हैं 206, अब बच्चे में कितने होते हैं 300, 206 हड्डी कहाँ कहाँ है याद है किसी को 206 हड्डी का नाम, यहाँ पे कितना है ब्रेन में 8 ब्रेन में है, जोड़ते जाना जो नेम नहीं जो पहले से नहीं जानता है, 8 होता है ब्रेन में, ठीक 8 होता है ब्रेन में, 14 होता है फेस में, 8 का नाम लिखवाए हैं ना, फ्रंटल ऑक्सिपिटल स्पाइनल एटमॉइड पिटल टेम्पोरल, 8 यहाँ पे है 14 फेस में है, ठीक है सर, नाम पता है एगोमेटिक बोन मैंडिबल मैक्सिला नेजल और प्लेटाइन, उसके बाद तीन यहाँ यहाँ है, कितना हुआ 8, 14, 3 और 3, ठीक 28 हुआ, उसके बाद एक होता है जो यहाँ लटका रहता है हायर बोन बोलते हैं 29 हुआ, 30 होता है एक हाथ में, कितना होता है 30, एक यहाँ पर है ह्यूमेरस, 2 यहाँ पर है रेडियस अल्ना, 8 यहाँ पर है कार्पल, 5 यहाँ पर है मेटाकार्पल, 14 उंगलियों में है फ्लैंजेस, टोटल कितना हुआ 30 इस हाथ में 30 इस हाथ में, कितना हुआ 60, 30 होता है वैसे ही पैर में, है ना, एक पैर में 30 होता है, ठीक, तो दो पैर है कितना हुआ 120 बुझा गया ना, मतलब 30 30 60 और 2 ये कितना हुआ टोटल हाथ मिला कितना हुआ 120 हुआ। उसके बाद 12 पेयर ये होता है रिब होता है पसली होता है, ठीक है रिब, तो 12 इधर है 12 इधर है कितना हुआ 24, एक यहाँ होता है एस्टर्नम, क्या नाम होता है इसका एस्टर्नम, और फिर इधर रीढ़ की हड्डी जो है मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम है 26, ठीक है ये दो हड्डी क्लेविकल, ये पीछे वाला दो स्कैपुला, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 206 आएगा, लिखवाए हुए हैं पर लिखना और लिख लेना, चैप्टर था कौन सा लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में लिखवाए हुए हैं। वैसे ही ब्लड के बारे में विस्तार से बात हो चुका है, ये सब बात नहीं करना है, तो ये सब हो गया टिश्यू के बारे में, ठीक है इस ये सब के बारे में लिखवाए हुए हैं, ये सब जो है ये सब लिखवाए हुए हैं एक साथ, जो नहीं लिखा है वो लेके सब लिख लेगा, जितना बात बताए हैं एडिपोज में फैट स्टोर रहता है सब लिखवाए हुए हैं पिछले क्लास में। मस्कुलर टिश्यू बताओ तो मसल कितने टाइप के थे, 3 टाइप के, कौन कौन मसल होते हैं कितने टाइप के, 3 टाइप के, कौन कौन होते हैं 3 टाइप के मसल, एक होता है कौन सा स्केलेटल मसल और कौन सा होता है विसरल मसल और कौन सा होता है कार्डियक मसल, बताओ तो बोन के साथ जुड़ा हुआ मसल कौन सा है, बोन के साथ जुड़ा हुआ मसल कौन सा है स्केलेटल मसल, है ना, बोन के साथ जो मसल जुड़ा हुआ है हाथ में पैर में जॉ में स्केलेटल मसल,
जो मसल हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गेन्स में प्रेजेंट है, विसरा में प्रेजेंट है। विसरा मतलब क्या होता है, इंटरनल ऑर्गेन है ना, लीवर, किडनी, स्प्लीन, स्टोमक, ये सबको विसरा कहा जाता है। उसमें जो मसल है उसको क्या बोलेंगे, विसरल मसल। और हार्ट में जो मसल है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक। तो तीनों में से कौन सा ऐसा मसल है जो कभी नहीं थकता है? कार्डियक मसल कभी भी नहीं थकता है, कभी भी टायर्ड नहीं होता है। स्केलेटल मसल सबसे पहले थकता है, सबसे जल्दी थकता है। विसरल मसल उतना नहीं थकता है, कभी कभी थकता है। नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़े थे, नर्वस टिश्यू मतलब क्या हुआ, नर्व सेल है ना, नर्व फिगर बनाए हुए थे पिछले क्लास में, मतलब लास्ट क्लास में, और उसके बारे में बताए हुए थे। जो नहीं लिखा है लेकिन लिख लेगा। यही था एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है। जो नहीं लिखा है तुम सब लिख लो पूरा ये है, और इसके बारे में फिर लेके लिख लें जो लिखा है उससे, और जो लिखा है उससे पूछते हैं। क्या होता है, हट जाता है, नहीं क्यों सकेगा नहीं, लेकिन लीवर को उतना काम नहीं ना, हार्ट को क्या हमेशा काम करते रहना है, लीवर को उतना काम नहीं है। लीवर को क्या काम है, बाइल जूस प्रोड्यूस करना है, और जो फूड जा रहा है उस फूड को चेक करना है। जब खाना खाएंगे तब लीवर काम करेगा। होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस होमोनी होमियो एच ओ एम ई ओ एस टी ए एस है। होमियोस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जैसे हम लोग मान लो बाहर का टेम्परेचर जो भी रहता है, लेकिन जो बॉडी का टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। ये जो मतलब क्षमता है बॉडी का, जिस कारण से बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, उसी को होमियोस्टेसिस कहा जाता है। ब्लड का प्रॉपर्टी है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, इसी को बोलते हैं होमियोस्टेसिस। चलो खड़े हो जाओ, बताओ ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है? अच्छा, कितने टाइप के जंक्शन प्रेजेंट होते हैं सेल्स के बीच में, कौन कौन? टाइट जंक्शन, बताओ कि इंटेस्टाइन के लाइनिंग में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन के लाइनिंग में कौन सा एपिथेलियम होता है इन तीनों में से? इंटेस्टाइन या स्टोमक के लाइनिंग में इन तीनों में से कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है? कॉलुमनर एपिथेलियम। बताओ कि फैट स्टोरिंग टिश्यू कौन होता है, एडिपोज, कौन? एडिपोज टिश्यू। चलो पीछे से खड़े हो जाता है, पीछे से बताओ। दो बोन्स को आपस में जोड़ने वाला टिश्यू कौन सा है, अभी बता रहे थे क्या कर रहे थे? दो बोन्स को आपस में जोड़ने वाला टिश्यू कौन सा है, कौन? लिगामेंट, कौन? लिगामेंट। और बोन को मसल से जोड़ने वाला टिश्यू कौन सा होता है, बोन को मसल से कौन जोड़ता है? टेंडन, केवल टेंडन, लिगामेंट क्या बोल रहे हैं? बोन को मसल से कौन जोड़ता है? टेंडन। अब बोन को बोन से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। फैट स्टोरिंग टिश्यू कौन सा है, फैट स्टोरिंग टिश्यू कौन सा होता है? लिखे हो कि नहीं लिखे,
दिख रहे हो पीछे से खड़े हो जाओ, पीछे से खड़े हो जाओ। तो अभी बता रहे थे फैट स्टोरिंग टिश्यू, फैट स्टोरिंग टिश्यू कौन सा, इसको नहीं याद है वो लिखेगा, जिसको भी नहीं जो इसको याद है केवल वो नहीं लिखेगा, जिसको नहीं याद है वो लिखेगा। दोनों बोल रहे कोई एक ना है एडिपोज, फैट स्टोरिंग टिश्यू कौन सा है एडिपोज। पूछेगा कि विच कनेक्टिव टू सपोर्ट्स एपिथेलियम टिश्यू, तो उसमें क्या बोलोगे एरियोलर। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियम टिश्यू को सपोर्ट करता है तो एरियोलर। फैट किसमें स्टोर रहता है एडिपोज। बोन को बोन से कौन जोड़ता है, बोन को मसल से कौन जोड़ता है टेंडन, टेंडन। अच्छा मसल कितने टाइप के होते हैं, मसल कितने टाइप का होता है, तीन, स्केलेटल मसल, फिसरल मसल VISCERAL और कार्डियक मसल। बताओ तीन तीनों में से कौन सा मटल, कौन सा मसल जो है हार्ट में प्रेजेंट होता है, हार्ट में कौन सा मसल प्रेजेंट होता है कार्डियक मसल, और इंटरनल ऑर्गन्स में कौन सा मसल प्रेजेंट होता है विसरल मसल। अब बोन्स के साथ कौन सा मसल जुड़ा होता है स्केलेटल मसल। टिश्यू के स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी को स्टडी ऑफ टिश्यू। आगे से खड़े हो, चलो आगे से खड़े हो। अभी बोले ना सुने ना, अभी बोले हैं तो सुने हो ना। बताओ एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन, एपिथेलियम टिश्यू कितने टाइप का होता है, तो खड़ा है खाली वो बोलेगा जो नहीं बोलेगा। एपिथेलियम टिश्यू कितने टाइप का होता है, सिंपल एपिथेलियम कितने टाइप का होता है, सिंपल एपिथेलियम कितने टाइप का होता है, कौन कौन, स्क्वायमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, है ना तीन टाइप। एरियोलर टिश्यू का क्या काम है, एरियोलर टिश्यू क्या काम है, ये एपिथेलियम टिश्यू को सपोर्ट करता है ठीक। स्क्वायमस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, अल्वियोली में, लंग्स जो है ना फेफड़ा उसमें अल्वियोली होते हैं छोटे छोटे एयर सैक्स उसमें प्रेजेंट होता है स्क्वायमस। क्यूबॉइडल कहाँ पाया जाता है, किडनी में, किडनी में और ग्लैंड्स में। और कॉलमनार कहाँ पाया जाता है, स्टोमक में और इंटेस्टाइन में। बताओ स्टोमक में इंटेस्टाइन में कौन टिश्यू पाया जाता है, कॉलमनार पाया जाता है। किडनी में कौन पाया जाता है, क्यूबॉइडल ठीक है। अल्वियोली में कौन पाया जाता है, स्क्वायमस। एपिथेलियम टिश्यू को सपोर्ट कौन करता है, एरियोलर। बुझा गया, फैट किस स्टोर रहता है एडिपोज, एडिपोज टिश्यू में फैट किस में रहता है एडिपोज। बोन को मसल से कौन जोड़ता है, बोन को मसल से कौन जोड़ता है, बोन को मसल से कौन जोड़ता है टेंडन, कौन जोड़ता है। अब बोन को बोन से कौन जोड़ता है, लीगामेंट। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है किसी भी एग्जाम में, बोन से बोन को कौन जोड़ता है लिगामेंट, बोन से मसल को कौन जोड़ता है टेंडन। फैट किसमें स्टोर रहता है एडिपोज। क्या गया, हमारे बॉडी में टोटल बोन्स कितने हैं, टोटल बोन्स कितने हैं हमारे बॉडी में, हाथ में कितना बोन है 30, फेस में कितना बोन है 14, 14, और ब्रेन में कितना बोन है 8, कान में कितना बोन है 3, रिब्स कितने होते हैं 12 पेयर,
रीढ़ की हड्डी में कितना बोन है वर्टेब्रल कॉलम में? 26। कितना होता है? 26। मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप का होता है? तीन। कौन कौन है? स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, विसरल मसल, ठीक है ना? बैठ जाओ, याद हो गया? देखो जो नहीं लिखा है वो लिख लो, सब लिखवाए हुए हैं, सारा बात लिखवा चुके हैं, जो लिखा है उसे लेके पर लिख सकते हैं। हाँ ऑनलाइन क्या देखना, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन, जो लिखा होगा वो लिखा है, ये पीछे लिखा होगा, लोग आगे लिखा है, लेकिन लिख लेना, फोटो ले लेना, बाद में लिख लेना। चलो चलो खड़े हो जाओ, क्लास कर रहे थे पीछे, कितने सब्सेंट थे, कहाँ गए थे? घर पे चले गए थे 2 महीने से, 2 महीने से घूम रहे थे। ऑनलाइन कर रहे थे सब, किए हो क्लास? क्लास मत छोड़ो, समझे? कब से क्लास कर रहे हैं? नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, अब कल पढ़ा जाएगा प्लांट टिश्यू, ठीक है? तो इसको जो है एक बार लेके लिख लेना, जो नहीं लिखा है, जो लिखा होगा वो लिखा है, लेके लिख लेना उससे। नहीं फ्रॉग अथवा वो बाद में पड़ जाएगा, अभी फिर टिशू खत्म हो जाएगा, तब टिशू चल रहा है ना, टिशू में एनिमल टिशू हो गया, प्लांट टिशू हो जाएगा, वो तीनों अलग टॉपिक है, कुछ संबंधित टॉपिक थोड़ी है, ठीक है ना?
महीना, ये भी 2 महीना आ गया, लेकिन होते स्कूली शिक्षा के तो ना किया वो करेगा बुलाते ना गया है ना। चलो ये पढ़ लिए थे शायद हम लोग, ठीक है ना, याद है ना, भूल गए, नहीं पढ़े थे ये, पढ़े थे, कोई बात नहीं, इसी को लिखो पहले, ये लिखल होगा इससे हमको लगता है, ठीक है ना, तो इसको लिखो, तो नहीं लिखा होगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इट इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल, बताए भी थे, तो एंटी क्लॉक करोगे तो आउटवर्ड हो जाएगा, क्लॉक करोगे तो इनवर्ड हो जाएगा, क्योंकि तो फार्मूला क्या है, आर क्रॉस एफ का होता था, कोई तो स्पेशल केस क्या होता है, ये देखो स्पेशल केस, देखो फार्मूला जो हम लोग जानते हैं, बात ना करें, एंगुलर मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है, एल बराबर आर क्रॉस ई ना, एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, तो आर क्रॉस पी, अभी ऊपर में हमने बताया भी, दिखाया भी, देखो आर क्रॉस पी, तो इसी को हम चाहें तो मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में आर पी साइन थीटा भी लिख सकते, लिखेंगे नहीं अभी, ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन भी है, अभी कौन चल, हेलो हेलो, हाँ खुला है ना, भी निंदे में खुला है, खुला है, हेलो अजो बंद कर, तो तुम ही लोग का लगता है थोड़ा बैच, तो ये हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ स्पेशल केस हम लोग कर रहे हैं, तो फार्मूला भी बताए हम, इसको क्या लिख सकते हैं, आर पी साइन थीटा, इस तरह से अगर एल बराबर भी लिखे तो कोई थीटा पर डिपेंड है, तो अगर ये थीटा 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, तो देखो ध्यान से, अगर मान लो कोई रोटेट कर रहा है इस तरह से, तो रेडियस तो ये है, तो अगर मोमेंटम की डायरेक्शन इधर हो या इधर हो, इधर होगा तो रेडियस के लॉन्ग होगा तो 0 डिग्री, अपोजिट होगा तो 180 डिग्री, तो इस दौरान हमारा मोमेंटम होगा ही नहीं, इस दौरान मोमेंटम होगा ही नहीं, क्योंकि 0 रखेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, एल बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये संभव ही नहीं है। दूसरा कंडीशन, अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाए, तो 90 डिग्री का मतलब इधर उधर तो नहीं होंगे, फिर इस कंडीशन में क्या होगा, आर इधर होगा, मोमेंटम इधर होगा, तो अगर मोमेंटम इधर हो जाए फिर आपका क्या हो गया, 90 डिग्री, जब 90 डिग्री होगा तो साइन 90 का मानोवान होता है, यहाँ एल बराबर क्या हो जाएगा, आर पी हो जाएगा, जनरली आपका जो मोमेंटम का डायरेक्शन होता है रेडियस के इक्वलर होता है, क्योंकि 0 या 180 पर 0 हो जाए, ठीक है, यस वगैरह में दे देते, यहाँ तक लिखल होगा, नहीं लिखल होगा तो लिख लीजिए, ठीक है ना,
क्लियर। आ जाएगा घर कब? आज है आका लगे रूम खाली करना है। आ जाएगा तो आ जाए किया तो फिर कोई बात है का है? आज घर चल जाएगा आज आ गया ओ ये बात बोलो हमको लगा जाएगा तो वो तो होते रहेगा वो सब नाटक चलते रहेगा। अभी एडमिशन भी हो रहा है ये पता है ना। तो जो एडमिशन नहीं लिया वही ना फायदे में है। इसलिए इसका नाटक सब दिन चलेगा। दिसंबर में एक अभियान चलाएगा जो जो छूट गया फिर से चलाओ उसको एडमिशन करवाओ। मीटिंग था टीचर सबका एसडीओ बुलाया क्या बोलता है नहीं जो भी 17 साल का बच्चा हो गया है तो वोटर लिस्ट में नाम जोड़वा दीजिए ठीक है फॉर्म लेते जाइए क्योंकि एक तो पढ़ने नहीं देता है अब हम लोग को पढ़ाने नहीं देगा ये ठीक है ना। तो हम लोग यही काम बचा है कि अब सबको वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाए। अरे वोट देने के लिए लोकसभा चुनाव है ना तो वहाँ से दबाव देता होगा निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ठीक है ना कि जल्दी जल्दी वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाओ सबको तब ना ज़्यादा वोट पड़ेगा। और यहाँ तो बहुत तेज होता है बिहार वाला आदमी बहुत तेज होता है चुनाव जब जब आता है जब जब अधिकारी हड़ताल पर चल जाता है ठीक है ना। अभी जितना बीएलओ है ब्लॉक लेवल का जो ऑफिसर सब रहता है सब अभी हड़ताल में है। सोचा कि प्राइवेट टीचरे से तनिक काम करा लेते हैं हम कहे अपना काम हमारे पास बच्चा छोटा छोटा है 14 साल में मैट्रिक पास करता है कि नहीं करता है? तो हमारे पास 17 साल 18 साल का कहाँ से आएगा 15 साल का रहेगा तो हम उसका फॉर्म लेकर माथा पर बोझा ले हम कहे ना सब काम करेंगे ये सब काम हमसे नहीं होगा। तो उस सरकार बहुत तेज हो गया है ठीक है ना देख लिया ना तो वही ना लड़कन को पढ़ने देगा ना टीचर को पढ़ाने देगा। हाँ हमको कहता अभियान चलाओ है ना पढ़ देगा तो नगर निगम उसी आया था देखा होगा ना रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो देखो एक मिनट टॉर्क पढ़े थे ना टॉर्क आर क्रॉस एफ हम लोग जानते हैं दूसरी बात अब इसको डिफरेंशिएट कर दो डिफरेंशिएट ऐसे डायरेक्ट भी हम लिख देंगे बट समझा देते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो ये इनटू में है तो डिफरेंशिएशन का एक यू इनटू वी का फॉर्मूला बता दे अरे कुछ तो यू इनटू वी अगर करें तो मान लो कि एफ को यहाँ छोड़ दे भी को छोड़ देते थे और आर को डिफरेंशिएट कर दें प्लस में आर को छोड़ दें और एफ को डिफरेंशिएट कर दें ना ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग उम्मीद है कि जानते होंगे और ऐसे रिलेशन किस में निकालना टॉर्क और एंगुलर मोमेंट ये मत लगाओ एल वाला ही लगा दो अभी जो बताए ना उसी से आसान हो जाएगा। ये एल इक्वल टू आर क्रॉस पी
तो ये एल होगा, आई पी होगा, और ये आर होगा, आर हो गया, पी हो जाएगा। तो देखो ये आर मतलब क्या हुआ, रेडियस, रेडियस का मतलब है यहाँ पोजीशन, स्थिति, पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट के जैसा वर्क करेगा। वेलोसिटी होगा क्या, हो गया पी डॉट भी। तो देखो हम लोग क्रॉस है, यहाँ चिन्ह भी क्रॉस का देंगे, क्रॉस है तो चिन्ह भी क्रॉस का दे देते हैं, इससे समझना आसान होगा। प्लस आर क्रॉस, इस संवेग में परिवर्तन है ना, यानी मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ने पढ़ते थे। ये क्या हो गया, एफ हो गया, नहीं पढ़े हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अब देखो जरा पी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, एम वी और क्रॉस टी प्लस, ये अभी पढ़े थे टाउ बराबर आर क्रॉस एफ, यही ना होता है, कि क्या हो गया और हुआ। हम लोग थोड़ा सा अगर 11th में जो हम लोग शुरू में वेक्टर पढ़े थे, वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट होता था, तो उसमें पढ़े थे क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, वहाँ पढ़ते थे ए बी साइन थीटा, ये ना पढ़ते थे, एन कैप डायरेक्शन देते थे। लेकिन यहाँ अगर ए क्रॉस ए लिखते थे तो बोलते थे कि जीरो होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। उसी प्रकार भी क्रॉस भी लेंगे, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम होगा। तो यहाँ जो भी क्रॉस भी हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब प्लस टाउ, यानी क्या हो गया, जीरो यानी टाउ हो गया, कि कोची बराबर आया टी एल वाई टी टी, आया कैसे हुआ, कि क्या हुआ, ये पढ़ते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ये क्या हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क, टॉर्क का डेफिनेशन हो गया। अगर हम इसको अगर नहीं भी लिखते ना, तो पी और भी एक साथ लेते, तो एक का कि हमने अभी बताया है आपको स्पेशल केस में, क्या कि मोमेंटम और रेडियस अगर अपोजिट हो या एक डायरेक्शन में हो तो जीरो होते। तो उसी तरह इसको अगर क्रॉस डायरेक्ट भी कर देते, पी क्रॉस भी क्या लिखते, पी भी साइन थीटा लिखते कि नहीं, दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में होगा, जिधर वेलोसिटी होगा उधर मोमेंटम होगा, तो उधर होगा तो ये सोच थीटा जीरो होगा, तो डायरेक्ट भी जीरो लिख सकते, ठीक है ना। लेकिन मैंने तोड़ दिया कि कॉन्सेप्ट याद आ जाए।
गया। हो गया ना, हटा दे। नीचे में लिख दो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ टाइम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू टॉर्क एक्शन ऑन इट, दिस इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ द इक्वेशन। जैसे हाँ वहाँ फोर्स पढ़े थे, फोर्स में क्या होता था, टी पी वाई डी टी, उसी के जैसा है। हाँ एक्सप्रेशन सेकेंड लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। हो गया, मतलब समझा क्या करा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो भी हम लोग पढ़े ना इस तरह से, टॉर्क इक्वल टू क्या पढ़े, टी एल वाई टी टी, इस तरह से वेक्टर में लिखेंगे तो वेक्टर में, तो क्या करा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ टाइम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू टॉर्क एक्स ऑन इट, ये टॉर्क तो है एक्शन ऑन इट, दिस इज द रोटेशनल एनालॉग। एनालॉग मतलब, एनालॉग मतलब यहाँ समानता, इक्वेशन के समान, जैसे इक्वेशन था ना एफ बराबर टी पी वाई डी टी, उसी तरह टाउ बराबर टी एल वाई डी टी, उसी के इक्वेशन के समान, विच एक्सप्रेस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये एक तरह से क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो सेकेंड लॉ था ना, उसी के जैसा ये भी है। क्वेश्चन एक बनाना है, क्वेश्चन
लिया क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम दिया हुआ है 2 kg, लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, रोटेटिंग एट डिस्टेंस, रोटेटिंग एट डिस्टेंस मतलब आर दिया हुआ है आपको, तो आर दिया हुआ है 3i-2j, के नहीं है तो 0k लिख सकते हैं, कुछ क्या रहा है एंगुलर मोमेंटम, अभी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे बोलो, एल बराबर आर क्रॉस पी, पी नहीं दिया हुआ है तो आर क्रॉस एम भी, एम कांस्टेंट चीज होती है तो आर क्रॉस ही होगा एल बराबर, तो पहले क्या निकालना होगा हमको आर क्रॉस भी निकालना होगा, तो आर क्रॉस भी तो आर का कितना है 3-2, 0, भी का 2-3, 1, देखो इस तरह से ठीक है ना, ठीक क्या आया आर क्रॉस बी, इसको यहाँ डाल दो, एम का मान दे ले 2 kg, दे ले ना कितना दे था 2, तो 2 से खाली गुना हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा 2 से गुना हो जाएगा ना खाली है? पहले भी कर दियोगे तो आंसर तो वही आएगा, कांस्टेंट चीज़ है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वो डॉट में ऐसा होता है आई को आई से, ठीक है इसको लिख लो पहले, यहाँ पर 2-3 लाइन छोड़ देना उसके बाद उसको लिख, या पहले उसी को लिख लो, यहाँ खाली इतना लिखने में 2-3 लाइन छोड़ देना, ये आंसर हो गए।
अरे आर क्रॉस भी है ना, तो हम अलग से निकाल के इसमें डाल दिए, ठीक है ना, आसान हो गया। ठीक लिया, पढ़ाओ केमिस्ट्री में इसको, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, नहीं एंगुलर मोमेंटम एनएच बटा टू पाई। लिख लिया, क्वेश्चन समझा पहले।
ये दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम, समझते हो ना क्या कर रहा है कि मान लो हाइड्रोजन एटम का ये न्यूक्लियस, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। तो ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, इसका कुछ स्पीड होगा, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा जिसको आर बोलेंगे, और ये जब इलेक्ट्रॉन है इसका कुछ ना कुछ मास हो, ठीक है। तो सब चीज़ दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दिया हुआ, ये दिया हुआ है आपके पास। बट कह रहा है कि प्रूफ कीजिए सो दैट एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एच बटा टू पाई के बराबर होता है। यानी अब पढ़ेंगे केमिस्ट्री में एन एच बटा टू पाई, एन होता था एटॉमिक नंबर, वन टू थ्री इस तरह से था, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर वन होगा इसीलिए एच बटा टू पाई हुआ। इसको प्रूफ करना है कि यही होता है ये, तो कैसे निकालेंगे, पहले इसको कितना होता है इन डाटा निकाल लेते हैं। एच कॉन्स्टेंट है, उसका हुआ है 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 34, कैलकुलेट कर देंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, गुना हो जाएगा इससे, काट कोट भी कर सकते हैं, तो जैसे भी करें लेकिन कर ले। तो ये दो बार से काट दो या डायरेक्ट काट दो, इसको 22 66 यानी 0.3 आई ऊपर जाएगा, 7 21 यानी 2. सही है ना, वाई टू इंटू 10 के पावर माइनस 34, तो ये क्या हो जाएगा 1.05 इंटू 10 के पावर माइनस 34 है ना। तो इतना वैल्यू आपको निकाल के लाना है, इतना ही प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग एक फॉर्मूला तो जानते हैं, एल बराबर क्या एम बी आर, ये भी तो एंगुलर मोमेंटम है एम बी आर। तो एम का मान दे ले आपका 9 इंटू 10 के पावर माइनस 31, और वी का मान भी दे ले 2.2 इंटू 10 के पावर 6, और ये भी दे ले 0.53 इंटू 10 के पावर माइनस 10। अब कैलकुलेट कर दो, गुना करो कितना आता है, 5 3 0 ये सब गुना कर दो, तो इसको हटा भी सकते हो, तो ये 53 और 9 गुना 53 इंटू 2.2 इंटू 10 के पावर माइनस 31 प्लस 6 माइनस 10 माइनस 2, गुना करो ना कितना आता है इसको, तो 53 में 9 से गुना कर दो, तो 9 3 27 9 5 45 और 47 हो जाएगा 477, और 2.2 22 से गुना कर दो, तो 7 2 14 7 2 14 4 2 8 9 है ना, 4 5 9 4 9 4 है ना 10। तो 2.2 से था ना, तो
अच्छा ना ना ये कितना था, 477 में 2 से गुना करोगे तो 1000 कुछ होगा ना, ये हो जाएगा। नहीं एक ही डिजिट है ना, 2.2 एक ही डिजिट था इसीलिए, तो क्या हो जाएगा ये 104.94 इंटू 10 के पावर, देखो ये 3102, 33, 33 10 43 और 6 तो 37 होगा, है ना। अब इसमें और पॉइंट घटाओ 3 डिजिट, तो 1.0494 इंटू 3 घटाओगे तो ये भी हो जाएगा 34। देखो लगभग है बराबर, नहीं है देखो ना, 0.5 ना है, 0.494 लगभग में क्या है, वही तो है, 1.05494 को नहीं लिख सकते, 5 × 10⁻³ प्रूफ हो गया। बुझाया कुछ कुछ, गुना तो आता नहीं है तो अब हम क्या करते हैं, अब इसमें गुना ही है ना, कुछ तो है नहीं। ये आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, वहाँ बहुत अच्छा से NH/2π करके फार्मूला होता है, एग्जाम में कंपटीशन में भी आता है, एंगुलर मोमेंटम है, दो फार्मूला, एक MVR, NH/2π। NH/2π क्यों होता है, क्योंकि हर एटम का अलग अलग हमारा एटॉमिक नंबर है ना। लिख लिया, यहाँ से चैप्टर समझो कि मेन चैप्टर शुरू होगा। नहीं नहीं अभी तो ये सेंटर ऑफ मास चल रहा है ना बढ़िया से, अब इसमें रोटेशनल मोशन हो जाएगा। हाँ यही कौन वाला है, कौन वाला, हाँ तो इसके बाद है ग्रेविटेशन से समझो 12th शुरू हो गए। ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है 12th का फर्स्ट चैप्टर, दोनों सेम लगभग, खाली यहाँ मास रहेगा वहाँ चार्ज रहेगा, सब चीज़ सेम। जैसे यहाँ पर देखा नहीं फोर्स की जगह टॉर्क आ रहा था, चेंज नहीं हो रहा था, वहाँ लीनियर वेलोसिटी थे, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम थे, एंगुलर मोमेंटम हो गया। ये भी एक समझो कि चैप्टर है, क्या रोटेशनल मोशन करके देगा, ये चैप्टर का नाम
उसी के अंदर में सेंटर ऑफ मास पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास ऐसे चैप्टर का नाम जो भी लिखे होंगे, चाहे तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं आप, क्या रोटेशनल मोशन, उसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया या इनर्सियल, ठीक है ना, या रोटेशनल इनर्सिया, इसे जनरली मोमेंट ऑफ इनर्सिया हम लोग बोलते हैं। तो इसको रहने दो, ऐसे चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास से। वीडियो में ना होगा तो वहाँ पर लिख देगा, बहुत अच्छा है। सबसे कठिन टॉपिक में यही आएगा, कठिन नहीं है बट लोग इतना आसान से पढ़ें कि कठिन नहीं लगेगा। लंबा चलेगा थोड़ा सा, कम से कम 7-8 दिन तो चल जाएगा। थोड़ा रिवीजन कर लेना, ठीक है ना, तो टेस्ट उसका तो आसान हो जाएगा फिर।